मामला भिंड जिले के रोन क्षेत्र के गोरई गांव का है, जहां कृषि अधिकारी का चोरी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। रोन कृषि अधिकारी राकेश शर्मा कृषि कार्यालय पर शासकीय सरसों वितरण होने आई सरसों की चोरी करते पाए गए। कृषि अधिकारी किसानों को सरसों वितरण होने के लिए आई थी सरसों की चोरी करते गांव के युवक ने कृषि अधिकारी का वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। मामला गोरई गांव का कृषि कार्यालय रात लगभग 11 बजे चोरी करते पाए गए कृषि अधिकारी का है, जिसमें अपने निजी वाहन के सरसों की चोरी करते ले जा रहे थे। तभी ग्रामीण विरोध भी कर रहे थे, जिसमें अधिकारी अपने दम पर सरसों को ले गए अपने घर। और यह मामला रात्रि में 11 बजे भिंड कलेक्टर को व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करवा दिया था। वहीं भिंड कलेक्टर ने कहा कि जांच कराई जाएगी। ग्रामीणों ने किस बात को लेके हटाया? बांट से नहीं है, चोरी करते हुए पकड़े गए रात के 11 बजे। रात में 11 बजे ये किसको दे रहे थे, क्या बताया इन्होंने? जी अपनी गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे। टीम आई थी, उसके द्वारा क्या जांच की गई? जांच की गई और कही गई देख रहा है कि अधिकारी आए चेक करिए बोरी बताएं दोस्तों किसी में कुछ नहीं तब ग्रामीणों की मांग क्या है? ग्रामीणों की मांग है इसको हटाया जाए यहाँ से। क्या नाम है आपका? देव सिंह। कहाँ पर पदस्थ है? हम निपसाई और पूरा भीमनगर में पदस्थ है। इसके अलावा परसाला, पड़ौरा, मेहदा, नौदा ये अतिरिक्त पंचायत है हमारे चार्ज में। इसके अलावा लिखित रूप से हमारे पास किसी भी सर्किल का कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद। आपके मामले में आपने क्या कहा है? अभी गोराई का कोई चार्ज नहीं मेरे पास लिखित में। तो अभी तक आपको ग्राम मौखिक केवल जो आया, हमें किसी को मना नहीं करता। यदि हमारे पास कोई भी चीज है आपने क्या जवाब मांगा? विकास खंड का किसान। आपने क्या जवाब मांगा था? जो डीडीयू मांगा था मैंने लिख के दे दिया। क्या क्या दिए? मेरे पास गोराई का कोई लिखित में चार्ज नहीं है। तो आपके मतलब कही जाते आपके गोराई के जो चार्ज इन्होंने दर्शाया है, तो आपके द्वारा क्या माल वितरण किया गया? मौके कब से कब तक रहा है? मौके तो निरंतर चार्ज जारी है। एसओडी खाली हो गई, लगभग हो गई होगी 2-4 साल। दो चार साल का माल गोरी किसानों का कहाँ जा रहा है? फिर नहीं दे रहा है, जो आ गया मेरे पास हम बता तो रहे। आपके पास में चार्ज नहीं है, आप कहाँ से कैसे दे रहे? इसको खुद दिया जो ये खड़ा हुआ है, आप इसके हाथ में आपने थैली दी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। कल का जो वीडियो जो सामने आया, क्या है मामला था? मैं इधर से आ रहा था नाइट में 11 बजे, तो जे एसओडीओ साहब वहाँ से गोदाम से बोरी निकालते हुए दो लोग हैं ये टांग के ले आए। तो हमने मोबाइल चालू किया, वीडियो बना रहे थे एक तो मेरे साथ में दो लोग और थे, तो एक मोबाइल मैंने उनको पकड़ा दिया, एक मोबाइल से मैं बना रहा था। तो एसओडीओ साहब ने मेरे मोबाइल में धक्का दिया तो गिर गया, इनने उसमें पैर रख लिया, तोड़ दिया मोबाइल। और दूसरे मोबाइल में इनकी वीडियो बनी है, जो वो एक गाड़ी में डालने वाले थे। इनकी गाड़ी का नंबर भी है वीडियो में, गाड़ी भी है सब है। ये ले जाते हैं ऐसे ही, यहाँ बांटते ही नहीं है, किसी को चार्ज देते नहीं है। सलकेंद्र सिंह चौहान। तो इसकी आपने पहले शिकायत की? नहीं, पहले हम ऐसे कैसे करते हैं, देख नहीं पाए। जब देखा है मैंने वीडियो तो बनाया। अभी जो जांच टीम के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उनका क्या क्या जांच की? आपसे क्या जांच में पूछा, क्या दिया? उन्होंने हमसे ये कहा है कि जांच करूंगा मैं, उसके बाद में कार्रवाई करूंगा। अभी तो कुछ नहीं किया है, जांच करेंगे तो क्या करेंगे। का नाम को जो रात के 11 बजे अपने गाड़ी लेके आए, और 11 बजे जो सामग्री गांव के वितरण वाली सामग्री थी शर्मा जी ने, और उनके साथ में जो एक दो लोग और थे, उनने उसमें गाड़ी में डाला और ले जाने की कृपा की, और लोगों ने उनकी फ़ोटो वोटो बनाई। उसके बाद में ऊपर के अधिकारी जो लोग आए यहां पे, उन्होंने उनकी जांच पड़ताल की, तो उसमें ऐसे लोगों के नाम लिखे जो इनने जो दशहरा के दिन इनने छुट्टी के दिन इनने फिर उखले आके अपनी स्थिति देख के, और इनने लोगों को कुछ वितरण किया माल, और वितरण करने के बाद में वो ऐसे लोगों का नाम लिखा
जो उनका नाम ही नहीं है गांव के अंदर, के इनके पिताजी का नाम नहीं है कहीं किसी का, कौन सी जगह नाम नहीं है किस गांव में, गोरई में। तो हम लोगों की ये कृपा है कि सभी गांव वालों की कि इनके वो यहां से हटाया जाए। हर साल ये ऐसा ही काम करते हैं, गांव वालों को कोई सामग्री नहीं मिलती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह चौहान, ग्राम गोरई। सामने बारे हुआ है, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? मैंने जो जांच की है उससे ये निकल के आ रहा है कि अवैधानिक तौर पर जो है गोदाम से जो है 11 बजे रात को माल निकलना संदेह की स्थिति, जिसकी मैंने जांच की उसमें ये पाया कि जो गोदाम में भंडारित 300 बैग उनको प्रदाय किए गए थे उसमें से 299 गोदाम में पाए गए। एक बैग में से उन्होंने 20 बता रहे हैं जो वितरण की, उसमें से 5 थैली अभी जो है शेष हैं। एक्चुअल जो है उसमें कुछ संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें जो है किसानों को जान लेकर उनको प्रदाय किया कार्रवाई कर। ये वीडियो के माध्यम से पता लगा है कि मतलब ये कृषि विस्तार अधिकारी देर रात्रि के चोरी के कर रहे थे, क्या इसी प्रकार से किया जाते किसानों को कि जो वो है सामान ऐसे ही चोरी होता है? इस तरह के कार्य किए गए हैं क्या, जिसकी जांच करने पर स्टॉक का मिलान किया गया है क्या? जो ये संज्ञान में अभी आया है तो पूर्व के रिकॉर्ड से जो है मैं जांच करूंगा और उसमें जो है जो निकल के आएगा उसके आधार पर कार्रवाई। यहाँ ग्रामीण परेशान है, बोलते हैं गोरई में कोई वो नहीं है पदस्थ, यहाँ पर कोई देता नहीं है या कोई ग्राम सेवक सामग्री वितरण नहीं करता है, तो संदर्भ में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में SDO महोदय ने अभी मैंने जो है उनसे पूछा तो मौखिक रूप से ये बताया, रिकॉर्ड नहीं दे पाए, कि जो है यहाँ जो पदस्थ RAO राकेश कुमार गुप्ता हैं वो जो है उनको अधिकृत कार्य करने के लिए किया है, लेकिन राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मुझे आज तक किसी प्रकार का इस संबंध में चार्ज का कोई दस्तावेज नहीं दिया और SDO से पूछने पर वो भी दस्तावेज नहीं दिलवा पाए, तो इस संबंध में मैं आगामी जो है जो भी जांच के दौरान निकलेगा कार्रवाई करेंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।